हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षित एंड आज की मेरी वीडियो है द ग्रेट एलोइन एंड द हायर, यानी कि एक लालची शेर और एक खरगोश। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी एंड विद दिस स्टोरी वी लर्न इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन विद ए वेरी सिंपल वे। सो फ्रेंड, इसी स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान रास्ता है। सो शुरू करता हूँ आज की स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ फ्यूरियस लायन इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक बार की बात है कि एक गुस्से वाला शेर रहता था डेंस फॉरेस्ट में, यानी कि घने जंगल में। इट वॉज अ हॉट समर डे, गर्मी का दिन था। एंड द लॉयन वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और शेर बहुत ज़्यादा भूखा था। फीलिंग वेरी हंग्री फ्रेंड्स, यानी कि वह महसूस कर रहा था हंग्री, यानी कि भूख। इट मीन्स वह भूखा था। ही थॉट ही शुड टेक अ वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर एंड देन इट विल सर्च फॉर फूड। उसने सोचा कि सबसे पहले वह पानी पिएगा नियर बाय रिवर, यानी कि पास की नदी से। एंड देन इट विल सर्च फॉर फूड, और उसके बाद वह खाने की तलाश करेगा। ही केम आउट ऑफ हिज डेन, वह वापस आया यानी कि बाहर आया। फ्रॉम हिज डेन, यानी कि अपनी गुफा से, डेन कहते हैं फ्रेंड गुफा को। एंड वेंट टू द रिवर टू द ड्रिंकिंग द वाटर, और नदी की तरफ चला पानी पीने के लिए। ही केम बैक एंड सर्च फूड हियर एंड देयर, वह वापस आया और उसने खाने को यहाँ वहाँ ढूंढा। ऑन हीज वे, उसके रास्ते पर, ही फाउंड अ स्मॉल हायर, उसको एक छोटा खरगोश मिला। He found a small hare. He caught the hare without any hesitation. उसने बिना किसी रोक झोंक या रुकावट के हायर को पकड़ लिया, यानी कि खरगोश को पकड़ लिया। This hare can't fill my stomach. यह खरगोश मेरा पेट नहीं भर सकता है, thought the lion. शेर ने सोचा। The lion was about to kill the hare. शेर लगभग उसको मारने ही वाला था, मतलब तकरीबन मारने ही वाला था। A deer ran that way. एक deer मतलब friend हिरन रेन देट हुए उस रास्ते से भागा। द लॉयन बिकेम ग्रेडी, शेर लालची हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस स्मॉल हायर, इस छोटे से जानवर को खाने के बजाय, लेट मी ईट द बिग एनिमल, मैं एक बड़े जानवर को छोड़ दूंगा। आई विल ईट नाउ एंड सर्व सम फॉर नाइट, मैं अब खाऊंगा एंड सेव, यानी कि बचा लूंगा, सम फॉर नाइट, रात के लिए थोड़ा। ही लेट द हायर फ्री, उसने खरगोश को जाने दिया, फ्री कर दिया। एंड वेंट बिहाइंड द डियर, और हिरन के पीछे चला। बट द डियर हैड वैनिश्ड, लेकिन हिरन गायब हो गया। इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में। फ्रेंड, जब तेज़ भागते होंगे तो जंगल के अंदर काफ़ी सारी बशेस वगैरह होते हैं, जिसमें कि वो उसके अंदर वैनिश्ड हो गया। वैनिश्ड मतलब कि गायब हो गया। द लॉयन नाउ फेल्ट वेरी सॉरी, यानी कि जो शेर था उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फेल्ट वेरी सॉरी सीटिंग द हायर फ्री, यानी कि उसको खरगोश को छोड़कर। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। एंड एंड ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं मोरल। मोरल है फ्रेंड, यानी कि जो सीख मिलती है हमें स्टोरी से, वो है ग्रेडी इज ऑलवेज कर्स। फ्रेंड, यहाँ पर कर्स आएगा, यानी कि जो लालच होता है वो हमेशा गलत होता है, अभिशाप होता है, बुरा होता है फ्रेंड। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। और फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस स्टोरी को अपने राइट नोटबुक के अंदर एक बार नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आप उसको हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि लिखेंगे। सो फ्रेंड, इससे आपकी रीडिंग स्किल तो बेटर होगी एज वेल एज़ आपकी राइटिंग स्किल भी बेटर होगी। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।